टाइम देखा था तो पूरा करेक्ट 1:30 बजे पूरा करेक्ट थे। जी अंदर जब अंदर ये बाकी हाथ बंद मेरे पास पहले ही फोन पहुंच गया था हाफिज़ रावत का। सब उतरवा दिया क्या नाम है आपका? मेरा नाम मेहंदी हसन है। मेहंदी हसन साहब क्या हुआ? रात लगभग 1:15 बजे के करीब 6 लोग मेरे घर में घुसाए जो कि हथियारों से लैस थे। 4 लोगों के पास तमंचे थे और 2 लोगों के पास में लोहे की रोडें थीं और मुझसे जबरदस्ती मेरा घर के कमरे के तलवे खुलवा के और मेरे घर में रखी ज्वेलरी लगभग 2.5 से 3 लाख रुपए तक की वो लूट ले गए और नकद पैसे थे रखे हुए लगभग 11.5 रुपए वो भी ले गए। बाहर का दरवाज़ा किसने खोला था? बाहर का दरवाज़ा तो बनता उन्हीं लोगों ने खोला था। दरअसल जब वो मेरे घर में एंटर हुए मुझे उठाया उन्होंने कहा कि हमारे घर से कोई लड़की भाग आई है एक, हम गलती से आपके घर में आ गए हैं और हमें बाहर निकलना है और आप हमें दरवाजे की ताले की चाबी दो। हमने उन्हें चाबी दे दी। चाबी देने के बाद में उन्होंने मेन दरवाज़ा खोला। मेन दरवाज़ा खोलने के बाद में उन्होंने हमारे कमरे का दरवाज़ा खोला और हम दोनों भाइयों को एक एक करके अंदर बांध के डाल दिया। फिर उसके बाद में हमारे मिसेज को बांध के डाल दिया और हमारे घर में लूटपाट शुरू कर दी। क्या नाम है आपका? शबनम। क्या हुआ बताओ। डकैत जी 6 लोग आए थे राडा मुंह पे लगा कर जी लोहे की राडे 3 तमंचे थे मेरे हस्बैंड के मेरे देवर के हाथ बांध दिए पैर बांध दिए मुझसे चाबी निकलवा कर ताला खुलवाया सारी अलमारियों में से सारा जेवर निकाल लिया जगह जगह जितना पैसा रखा था 60-70 हज़ार रुपया वो सब निकाल लिया मेरे बच्चों के बैगों में से पैसे निकाल लिए बच्चों के कपड़ों में से पैसे निकाल लिए 2-2 रुपए 1-1 रुपए तक छोड़े नहीं। कल रात पुलिस का सुबह लगभग 4 बजे आसपास सूचना मिली है कि भित्री चैनपुर का अंतर्गत वहाँ पे बॉर्डर में कैंट और भित्री चैनपुर के बीच कैंट का एक अकेला पड़ता है मकान वहाँ पे 4-5 लोग घर पे सो रहा था। वहाँ पे अचानक रात में 12-1 बजे के आसपास कुछ लोग अंदर घर पे घुसा है। उसके बाद उन लोगों ने उनका सबका बंधक बनाया। बंधक बनने के बाद उनसे 60 हज़ार रुपये पैसा और कुछ 1-2 लाख आसपास उन लोगों ने ज्वेल्स वगैरह उनसे सब लेके भागा लूट करके भागा। इस तरह की सूचना पुलिस को मिली। पुलिस मौके पर जाकर जांच किया है। SP CT CO सभी अधिकारी मौके पर गए हैं और डाक स्क्वाड वगैरह मौके पर रात में गया था। फोरेंसिक टीम भी गई थी। हम लोग जांच में जुड़ा है और FIR दर्ज कर लिया हम लोगों ने DCIT में और आगे विचार करा। जल्द से जल्द केस खुलासा करके आगे कार्य करेंगे।